ओके सो हे गाइज वस्सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइज आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे। तो गाइज इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेन जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप सिंपली वीडियो देखने बाद जगह डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइज आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया आप सभी को, ठीक है? तो आप डाउनलोड कर लेना एंड उसके बाद जाना गाइस हमें ऐड फोटो में एंड यहाँ से आप सभी को एक पीएनजी ले लेना है, ठीक है, कार का। एंड इस पीएनजी को गाइस आप सभी को कुछ स्टेप्स से यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है? तो कुछ स्टेप्स ऐड कर देना है यहाँ पे एंड उसके बाद फिर आप सभी को फिर आगे क्या करना है मैं आप सभी को बताता हूँ। पहले तो आप सभी को कुछ स्टेप से लगा देना है, ठीक है, अच्छे तरीके से बिल्कुल। एंड उसके बाद यहाँ पे आप सभी को सिंपली डन कर देना है, ठीक है, शेडो वगैरह जो पहले से क्रिएट हो रखे इस पीएनजी में, तो यहाँ पे आपको डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस जाना आप सभी को ऐड फोटो में एंड यहाँ से आप सभी को एक पीएनजी मिल जाएगा एक और, ठीक है, ये वाला, ये जो मतलब कि सारा मटेरियल जो है हमारा पबजी का जो भी जितना भी सब कुछ है, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको रख देते हैं। एंड जो ये वाला पीएनजी आप सभी को कुछ स्टेप से यहाँ पे लगा देना है, ठीक है, शेडो वेडो बनाने की जरूरत है नहीं, सब कुछ पहले से ही है, ठीक है, भगवान का दिया सब कुछ है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अब यहाँ पर परफेक्टली कर देंगे हम यहाँ पर डन, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे अब यहाँ से हम जाएंगे दोबारा ऐड फोटो में एंड यहाँ से हम गाइस अपने यहाँ पे ऐड करेंगे अपने मॉडल को, ठीक है। तो मॉडल का जो बैकग्राउंड है गाइस मैंने पहले से इरेज कर रखा है एंड बैकग्राउंड इरेज करने में अगर किसी भाई को प्रॉब्लम आती है, कुछ भी दिक्कत आती है, तो यार मैंने उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीन वीडियो के लिंक दे रखे, आप तीनों में से कोई भी वीडियो देख लेना, आपको ईजिली इसमें से हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर वॉच करना एंड उसके बाद गाइस आप सभी को मॉडल को जो कुछ स्टेप्स लगाने के बाद आप सभी को फिर आगे करना क्या है, आप सभी को यहाँ पे डन कर देना है एंड गाइस इसके बाद आप सभी को इस फोटो को लेकर चले जाना है ड्रॉ टूल में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ड्रॉ टूल में ले चलेंगे इसको एंड ड्रॉ टूल में ले जाने के बाद गाइस यहाँ पे आप सभी को जाना है यहाँ पे शेप वाले ऑप्शन में, आप सभी को दिख ही रहा होगा। सो गाइस ऊपर से थर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है, आप सभी को इस पर चले जाना है एंड उसके बाद गाइस जो उसका जो साइज है आप सभी को इतना रखना है, आपको 4 तक रख लेना है इसका साइज, ठीक है। एंड यहाँ पे आप सभी को ओके पे क्लिक कर देना है एंड उसके बाद आप सभी को कलर्स में जाना है एंड यहाँ से आप सभी को व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर डन कर देना है एंड अपनी फोटो को कुछ इस टाइप से आप सभी को जूम कर लेना है एंड उसके बाद आप सभी को कुछ एक ऐसे बॉक्स आप बना देना है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे अपना जो मतलब जिस टायर पे आप हो उस वाले वो टायर आप सभी को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले इस बॉक्स को क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको हम कुछ इस टाइप से कर देंगे एंड उसके बाद गाइस आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को वापस से शेप वाला ऑप्शन जाना है एंड यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाला जो ये लाइनिंग वाला ऑप्शन है आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे एंड जो गाइस इसका जो मतलब कि आपको फोटो को जूम करना है एंड उसके बाद साइज मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ा सा होगा, ठीक है। तो हाँ देखिए गाइस बड़ा ही है, तो अभी हम क्या करेंगे इसको पहले सेंडो कर लेंगे एंड यहाँ से हम चले जाएंगे शेप वाले ऑप्शन में वापस से एंड यहाँ से हम इसका जो साइज़ है अराउंड 2 तक रख लेंगे, ठीक है, 2 तक रख लेंगे एंड यहाँ पे ओके पे क्लिक करके एंड ओके कर देंगे एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे हम एक बार सॉरी गाइस यहाँ पे अंडो करते हैं हम दोबारा सॉरी यहाँ पे अंडो करते हैं एंड उसके बाद हम कुछ इस टाइप से, तो हाँ ये परफेक्ट है एंड कुछ इस टाइप से आप सभी को एक लाइन से ड्रॉ कर देनी है यहाँ पे, ठीक है, एंड कुछ इस टाइप से कर देना है एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे इतना कर देने के बाद आप सभी यहाँ पे सिंपली डन कर देना है एंड उसके बाद गाइस आप सबको फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ से इसमें आप टेक्स्ट में जाना है, ठीक है, आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाना है एंड यहाँ पे गाइस आप जिस भी टायर पे हो आप सभी को वो लिखना है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से लिख देता हूँ, तो जो भी मतलब कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ TIER टायर एंड इसके बाद यहाँ पे ये एरो देंगे एंड उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे क्राउन, ठीक है, तो CROWN क्राउन 2, ठीक है। तो 2 के लिए गाइस क्या करेंगे, मैं आपको आई वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, सिंपल इसको डबल बार एक जैसे कर देना है, ठीक है, तो ये 2 बन जाएगा इसी, ठीक है। तो उसके बाद आपसे कुछ इस टाइप से रेडी हो जाएगा। तो उसके बाद गाइस आपसे उसको मतलब कि उस बॉक्स में कैसे ऐड करना है मैं आपसे बताता हूँ। फॉन्ट आपसे भी गाइस यही रखना है, ठीक है, कोई और फॉन्ट मत रखना, यही फॉन्ट सबसे ईजिली है एंड सबसे अच्छा लग रहा है, मतलब कि सिंपल सा भी है एंड काफ़ी लोगों को देखने में ईजी भी लगेगा, ठीक है। तो आपसे इसी फॉन्ट को रख लेना है एंड बाकी अगर आप चाहो तो कोई और फॉन्ट भी रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे चौड़ा कर लेंगे कुछ इस टाइप से एंड इसको हम यहाँ पे कुछ इस टाइप से लगा देंगे एंड उसके बाद गाइस देखिए परफेक्ट है। यहाँ पे अब क्या करेंगे, अब इसको हम यहाँ पे डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डन कर देंगे, ठीक है। इतना कर देने के बाद गाइस आप सभी को फिर क्या करना है, अभी तो आप सभी को यहाँ से फिर ऐड फोटो में चले जाना है एंड यहाँ से आप सभी को एक पीएनजी को ले लेना है, ये वाला, ठीक है, विगनेट वाला, ये गाइस मेन पीएनजी है, इससे मतलब कि यार फोटो में अलग ही लुक आती है ज़बरदस्ती, ठीक है। तो इस पीएनजी को जरूर यूज़ करना है आप सभी को एंड कुछ इस टाइप से लगा देना है एंड यहाँ पे परफेक्टली आपको ऊपर डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके डन कर देना है एंड आपकी फोटो कुछ इस टाइप से हो जाएगी। एंड उसके बाद गाइस आप सभी का भी थोड़ा सा काम और रहता है, तो आप सभी को क्या करना है, टूल्स में जाना है, एडजस्ट में जाना है, एडजस्ट में जाने के बाद गाइस आप सभी को ब्राइटनेस को बढ़ा देना है एंड जाना है इरेजर टूल में, इन्वर्ट कर देना है, ब्रश को लेना है, साइज को थोड़ा छोटा कर देना है एंड फोटो को अपनी जूम कर लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी को कुछ इस टाइप से ऐसे ऐसे पेंट करना है, ठीक है, अपनी बॉडी के ऊपर, यानी कि एक ग्लोइंग इफेक्ट सा डालना अपनी बॉडी के ऊपर, ठीक है। आप चाहो तो ये कर भी सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी है, ठीक है। एंड उसके बाद जो इसका अमाउंट हम थोड़ा सा बढ़ा के रख लेंगे यहाँ पे अराउंड 20 तक रखते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद इरेजर टूल में जाएंगे एंड जो एक्स्ट्रा पार्ट जो यहाँ पे हो चुका है उसको हम यहाँ पे इरेज कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने इरेज कर लिया है एंड उसके बाद यहाँ पे हम परफेक्टली डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे डन कर देते हैं, ठीक है। एंड इस सब फोटो को कर लेते हैं हम सेव एंड इसको लेकर चलते हैं हम लाइट रूम ऐप के अंदर, क्योंकि जो कलर करेक्शन वगैरह होगी असली रिजल्ट वहीं पता लगेगा, ठीक है।
तो कलर करेक्शन करते हैं इसमें हम, तो इसको ओपन कर लिया हमने। तो अब क्या करना है आप सभी को, इसमें चले जाना लाइट वाले ऑप्शन में, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है, हाईलाइट को कम कर देना है, ठीक है, हाईलाइट को कम कर देना है, एंड जो शेडो है आपको उसको बढ़ा देना है, एंड जो गाइस वाइट है इसको आपको कम कर देना है, एंड जो ब्लैक है गाइस इसको आप सभी को कम कर देना है। एंड गाइस फिर चले जाना आपको कलर्स वाले ऑप्शन में, वाइब्रेशन को बढ़ा देना है यहाँ पे, टेम्परेचर को थोड़ा कम कर देना है, ठीक है, थोड़ा सा ब्लू टोन सा आ जाए इसमें ताकि, एंड इसके बाद गाइस आप सभी चले जाना है येलो कलर मिक्स में, एंड इसके बाद ऑरेंज कलर को सेलेक्ट करके सैचुरेशन को माइनस कर देना है, ल्यूमिनस को बढ़ा देना है, एंड इसके बाद चले जाना है येलो कलर में, इसका ह्यू माइनस कर देना है, एंड इसका सैचुरेशन प्लस कर देना है, ठीक है। एंड इसके बाद ग्रीन कलर में जाना है, ठीक है, ग्रीन कलर में जाएंगे, एंड जो आपका बैक का कलर है आप उसको येलो भी कर सकते हो, ग्रीन भी कर सकते हो, ठीक है, तो ह्यू को माइनस कर देंगे, सैचुरेशन प्लस कर देंगे, एंड जाएंगे डार्क ब्लू में, इसका जो मतलब ह्यू है हमें इसको माइनस करना है थोड़ा सा, एंड जो इसका सैचुरेशन ह्यू को अगर प्लस में रखना है, ठीक है, एंड सैचुरेशन इसको प्लस कर देना, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सभी को फिर यहाँ पे करना क्या है, आप सभी को पर्पल वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उसको माइनस कर देना है क्योंकि हमारे हेयर्स के ऊपर पर्पल कलर आ रहा था, तो माइनस कर देना, डन कर देंगे। एंड उसके बाद जाएंगे नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी हम इसको बढ़ा देंगे, एंड जो गाइस फोटो में विग्नेट है वो डालेंगे, ठीक है, फोटो में विग्नेट जरूर डालना है, एंड उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे हमें ग्रेन अमाउंट मिलेगा यहाँ पे, तो हम इसको बढ़ा देंगे, एंड उसके बाद जाएंगे यहाँ से नीचे वाले टूल में, ओके, सो यहाँ से हम फोटो की जो शार्पनेस है हम इनक्रीज कर देंगे, एंड जो गाइस नोड रिडक्शन आप सभी को इसको बढ़ा देना है, एंड गाइस नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको कलर नोड रिडक्शन मिल जाएगा, आपको उसको ही बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली जो हमारी फोटो का रिजल्ट आया वो आप सभी के सामने है, तो गाइस आशा करता हूँ यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना है, और चैनल पर नए तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लेना, क्योंकि यार एक एक PNG को ढूंढने में यार काफ़ी मेहनत लगती है, तो यार प्लीज़ यार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आप सभी लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो मैं प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो चलेगा मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।